हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग सही होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम गए हैं राम तीर्थ। ये जगह है बाघा बॉर्डर से 15 किलोमीटर पहले, और 10 किलोमीटर अप्रोक्स, 15 नहीं। और ये है भगवान श्री राम लवकुश का मंदिर है। यहाँ पर माता सीता जहाँ रही थी और जहाँ पर महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी, वो जगह है। आप लोगों को दिखाऊंगा आगे, बहुत सारे नज़ारे इसमें। भगवान श्री महर्षि वाल्मीकि का मंदिर और बहुत सारी छोटी मोटी, ये है देखिए, यहाँ पर श्री महर्षि वाल्मीकि ने बैठ कर रामायण लिखी थी। ये वो जगह है जहाँ पर रामायण लिखी गई थी। बहुत भव्य मंदिर बनाया गया उनका यहाँ पर, बहुत भव्य मंदिर है। आप लोग कभी आइए। और आपको दोस्तों यहाँ जब आगे जाएंगे तो आपको जगह जगह पर मंदिर दिखेंगे, सुरंगें दिखेंगी, बहुत कुछ दिखेगा। आगे बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बहुत अच्छी जगह है, आप लोग को पसंद आएगी डेफिनेटली। ये देखिए, अभी यहाँ पर देखिए एक सरोवर भी बना हुआ है। सरोवर में आपको मछलियाँ मिलेंगी, बहुत सुनहरी मछलियाँ हैं इसमें, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। और अभी आप बने रहिए। ये देखिए यहाँ पर है वो सरोवर, ये कुंड जहाँ पर बहुत प्यारी प्यारी सुनहरी मछलियाँ हैं, आप लोगों को दिखाता हूँ। चलिए ये देखिए, ये वो जगह है, बहुत प्यारी प्यारी मछलियाँ, सुनहरी मछलियाँ मिलेंगी। और ये ना दाना डालो तो इतनी जल्दी भाग के आती है, देखिए कैसे आई एकदम से। अभी देखिए, अभी एनिमल से हमेशा प्यार करना चाहिए, चाहे वो जीव हो कोई सा भी हो, सबसे प्यार करते रहना चाहिए। और हम पहुंच चुके हैं आगे की तरफ। अभी हमें यहाँ पर ये देखिए, जैसे मैंने बोला था, यहाँ पर छोटी छोटी गुफाएं, सुरंगें और बड़ी गुफाएं भी मिलेंगी आगे। ये है एक गुफा जहाँ पर माता लीला देवी की याद में कुछ, यहाँ पर बहुत सारे माताओं के हैं हमारी, जो बहुत सारी माताओं के मंदिर आपको मिलेंगे इधर। अभी देखते रहिए आगे, ये हैं, ये भी माता ही हैं। और आगे माता का मंदिर है इधर, आई थिंक ये वैष्णो माता है। हाँ, वैष्णो माता का मंदिर है। और ये भगवान राम का दरबार है। आगे बनिए मेरे साथ, ये माता श्री राधे कृष्ण है। और इसी प्रकार से बहुत सारे ऋषि मुनि और भगवान के यहाँ पर दर्शन हो जाएंगे आपको। ये आगे आपको देखिएगा इसमें, मतलब पूरा ना, अभी आगे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर पूरा दृश्य दिखाया गया, जहाँ पर मतलब कि एक लवकुश का बचपन से लेके आगे तक का सफ़र दिखाया गया, उसमें मूर्तियों के रूप में आगे दिखाया गया है। आपको दिखाता हूँ वो सब मैं आगे। अभी तो हम पहुँचे हैं, वो आगे जाएंगे हम। अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पर, कोई लाल देवी माता मंदिर है। इसमें बहुत सारी ऋषि मुनियों के मंदिर, और यहाँ पर नंदी भी देख सकते हैं आप, बहुत बड़े विशाल नंदी के दर्शन हो जाएंगे आपको। इन्हें देख सकते हैं आप, नंदी महाराज के दर्शन किए। और अब हम अभी आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है। ये वो जगह है दोस्तों, आई थिंक जिसके बारे में बोल रहे थे, मुझे लोगों ने बताया कि यहाँ पर पूरा दृश्य उसके बारे में। ये देखिए, माता काली माता, भगवान श्री हनुमान, और ये वो गुफा है, माता वैष्णो गुफा है इसका नाम। तो इसमें आपको पूरा दृश्य मिलेगा, किस प्रकार से लवकुश का जीवन यापन, बचपन से लेके उसका, उनके बड़े होने तक, राजपाट तक, पूरा दृश्य आगे है इसमें। देखते हैं, मैं भी पहली बार आ रहा हूँ, मैं भी देखता हूँ। ये देखिए, ये हनुमान जी है हमारे। और ये है जो माता सीता और महर्षि वाल्मीकि का संवाद हुआ था, उससे रिलेटेड है कुछ। और ये है हमारे लवकुश, और ये माता सीता खाना बना रही है उनके लिए। ये शिक्षा ले रहे, दीक्षा ले रहे हैं महर्षि वाल्मीकि से लवकुश। और ये देखिए, इसी तरह से इनको पूरा दृश्य दिखाया गया है मूर्ति के रूप में, कि किस किस प्रकार सब कुछ हुआ। आगे बढ़ते रहिए, देखते रहिए। ये देखिए, यहाँ पहुँच चुके हैं, राम दरबार है हमारा, राम दरबार में पहुँच चुके हैं। और जब वो राम दरबार में ना लवकुश ने जब अपना संवाद बताया था श्री राम को, उससे रिलेटेड है। ये देखिए, लवकुश के जो युद्ध हुआ था उसमें भरत शत्रुघ्न एक्सेट्रा जो उनके साथ हुआ था ना, वो दृश्य भी है यहाँ पर। और पूरा दिखाया गया अश्वमेध यज्ञ का, किस प्रकार से जीता था अश्वमेध यज्ञ को लवकुश ने, वो भी दिखाया गया है। ये देखिए, जब उन लास्ट में बताया था महर्षि वाल्मीकि ने कि आपके पिता श्री राम है, तो उसका भी दृश्य दिखाया गया है। पूरा दृश्य वर्णन किया गया मूर्तियों के रूप में। ये कुछ मन्नत के लिए, यहाँ पर मन्नत मांगते हैं लोग, इसमें के लिए धागे बांधे हुए हैं। देखिए दोस्तों, आस्था रखनी चाहिए, जरूर मन्नतें पूरी होती है। अब हम जा रहे हैं, इसके बाद अब जा रहे हैं माता वैष्णो गुफा में। वो हमारा लवकुश का वर्णन था, लवकुश कांड का, और उसका वर्णन था, राम दरबार था। अभी हम पहुंचे हैं माता वैष्णो गुफा की तरफ।
ये भगवान श्री शंभो महाराज हैं हमारे। हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। बार इधर है। दोस्तों मैं भी पहली बार आया हूँ, इसलिए मुझे भी कंफ्यूजन हो रहा है थोड़ा। ये माता वैष्णो देवी अरे की कहाँ से गुफा जाते हैं? है जो मुझे बताया था पंडित जी ने, ऐसे जाना है इधर से। तो अभी हम घुस चुके हैं इस माता वैष्णो देवी के अद्भुत गुफा में। वर्तनी है। आपको यहाँ पर जैसे दिख रही हैं माता, दिख रही हैं और भगवान, अलग अलग प्रकार के इंक्रेडिबल मूर्तियाँ हैं पर हर स्टोरी। भगवान के। ये हम जैसे पहुँच चुके हैं दरबार में, ये है बहुत अच्छा सुंदर। इंक्रेडिबल। वाओ, क्या बहुत अच्छा सुंदर, क्या सुंदर दृश्य बनाया हुआ है। सीरियसली बहुत अच्छा। वाओ यार, ब्यूटीफुल। लग नहीं रहा था इतनी छोटी सी गुफा में इतना सुंदर दृश्य देखने को मिल सकता है। अब हम पहुंच चुके हैं, हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। ये कहाँ जा रहा है रास्ता? चलो देखते हैं कहाँ पर निकलेंगे बाहर। ये है, हाँ ये है माता वैष्णो माता है। हाँ कौन माता सा माता? वैष्णो ही है, उन्हीं की मूर्ति लग रही है आई थिंक। यस हाँ, माता वैष्णो ही है। हाँ जी, माता वैष्णो माता ही है। अभी यहाँ से बाहर नहीं आप जा भी सकते दर्शन कीजिए माता वैष्णो के। हनुमान जी का जो मूर्ति इधर से ही है। चलते हैं आगे की तरफ, देखते हैं क्या है नज़ारे। देखते हैं कि क्या है आगे की तरफ। अभी ये बहुत अंधेरा है, मुझे फ्लैश ऑन करना पड़ेगा। बच के जाना आराम कुछ से। दिख नहीं रहा है दोस्तों, पूरा ब्लैकआउट हो नीचे होके जाना। गया है। देखते हैं आगे। काफी बड़ी गुफा है, मुझे तो लगा था छोटी गुफा होगी, आराम से जल्दी भाई। काफी लंबी गुफा हो चुकी है। वाह, वैसे कुछ भी कहो, बहुत एंशियंट टाइम से हमारे पास बहुत सारी धरोहर है हमारे देश में देखने को। आपको बाघा बॉर्डर के पास ही मिलेगी ये चीज, 10 किलोमीटर पहले है बाघा बॉर्डर से। बहुत सुंदर दृश्य है, मैं तो सच में बहुत, मेरे को बहुत अमेजिंग और वंडरफुल जगह लगी। ये देखिए दोस्तों, हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। ये है माता, काली माता आई थिंक। हाँ काली माता है दोस्तों। अब थोड़ा फ्लैश जलाया तो अब मुझे दिख रहा है कि अच्छे से, पहले पता ही नहीं लग रहा था, बहुत अंधेरा है अंदर। देखिए दोस्तों, देखते हैं आगे नज़ारे, हमें क्या देखने को मिलता है। ये हम कहाँ निकले, हम भगवान गणपति महाराज भी मिलेंगे यहाँ पर। जय हो गणपति बप्पा। ये अब हम पहुँच चुके हैं। ओ यार हम, अच्छा हाँ, हम ये हनुमान जी की मूर्ति के पास, जहाँ हम जाने की बातें कर रहे थे पहले, हम वहाँ पहुँच चुके हैं। हमारी बात चल रही थी कि हमें इस मूर्ति के पास जाना है, वहीं पहुँच चुके हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत विशाल मूर्ति है भगवान श्री हनुमान की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए वीडियो में दोस्तों।